लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग सर। बॉयज को फॉल इन बोलिए। बॉयज फॉल इन। अरे वो विक्की अभी तक नहीं आया, क्या करें? हाँ यार। कम फास्ट। कम यस सर। रोल कॉल साधन। विश्राम। 4564 राजन। यस सर। 4565 सुधीर। यस सर। 4566 अर्जुन सिंह। यस सर। 4567 विक्की शेरावत। 4567 विक्की शेरावत। I repeat, 4567 विक्की शेरावत। Yes sir। अरे okay। कैसे आए तुम? उतर देख। 4568 एट रमेश। Yes sir। 4569 सुरेश। Yes sir। सावधान, विसर्जन। Rambo, catch. उसने देख लिया यार। क्या है ये? जंगल में कुछ चुभ गया था। क्या चुभा तुम्हें? पता नहीं। पता करो, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। सर जाओ। ये यहां क्या करने आए? How is life, Bharat? Fine, sir. आपने बुलाया सर? बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए, यूं ही मिलने का मन किया इसीलिए बुलाया। How are things with you? Law and order का मतलब ही टेंशन होता है सर। Specially गोदावरी एक्सप्रेस मर्डर केस तो सेंसेशन है सर। मीडिया हमें ही टारगेट कर रही है सर। बड़ा सरदर्द केस है। कल एक और मर्डर हुआ मैंने सुना। ट्रेन में जिनका मर्डर हुआ उनकी बेटी पर भी हमला हुआ। सिक्योरिटी पर तैनात कांस्टेबल को भी मार डाला। फिर वो लड़की कहाँ गई? कहीं भाग गई होगी या फिर किडनैप हो गई होगी। और ये काम भी उन चार लड़कों ने ही किया ऐसा हमें शक है। बास्टर्स। दरअसल वो चारों कौन है पता चला? वो इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है, लेकिन 24 घंटों के अंदर हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। वेरी गुड, बट हाउ? ट्रेन से कातिलों से संबंधित एक कैमरा हमें मिला। कैमरा? क्या है कि सर, मेरा दोस्त नया कैमरा खरीदना चाहता है, कहाँ मिलेगा सर? शट अप, हम इस शहर में नए हैं ना। गेट लॉस्ट। इडियट्स, जाओ अपना काम करो। आई एम सॉरी भरत, दे आर डोंकीज। हाँ कम ऑन, टेल मी, कैमरा? पता चला कि कैमरा उनका ही है और इस फिल्म को डेवलप करने के लिए हमने एक प्राइवेट स्टूडियो में भेजा है। आई नो, बांद्रा में अरुणा स्टूडियो है ना? अच्छा, बांद्रा में स्टूडियो है, अरुणा स्टूडियो। करेक्ट सर, आप कैसे जानते हैं? अरे तुम्हारे खास दोस्त का स्टूडियो है, तुमने मुझे बताया था, ओपनिंग पर भी गए थे, भूल गए तुम? यस करेक्ट सर। एनीवे, थैंक्स फॉर कमिंग। माय प्लेजर। कीप इन टच। श्योर, बाय। बाय। क्या चाहिए? हम लोग अलग अलग देश में विदेश जा रहे हैं तो ग्रुप फोटो खिंचवाना है। ठीक है, आप लोग पेपर पढ़ते रहिए, तब तक मैं लाइटिंग करके आता हूँ। ठीक है, ठीक है। जल्दी ढूंढो। अरे बोला ना, जल्दी करो। हाँ। सुरेश मिल गया, ये देखो। बढ़िया निकाला ना। अरे फोटो इसमें रखो और वो उनमें रखो। ये उस कवर में डाल, मैं इसमें डालता हूँ। जल्दी करो, आ रहे हैं। काम हो गया, चलो। चल, 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 आ गया, आ गया। हाँ, लाइटिंग रेडी हो गई। इतनी जल्दी करो, चलो। हाँ, ठीक है, तुम थोड़ा लेफ्ट में आ जाओ, थोड़ा अपने राइट में। हाँ, थोड़ा और, थोड़ा हंस के। हाँ, थोड़ा हंसिए बस। हाँ, रेडी सर, स्माइल। एक मिनट रोकिए, मेरा फ्रेंड डीसी पे आया, मैं बात करके आता हूँ। ये इतनी जल्दी पहुँच गया? हाय भरत। क्यों प्रसाद, फोटोज रेडी है? कब से रेडी है? ये लो।
अंदर एक पार्टी वेट कर रही है, मैं उनका स्टिल खींच के अभी आता हूँ। चलो प्रसाद, मेरा भी एक फोटो निकाल दिया। अरे वाह, क्यों नहीं। अरे मार गए अब तो। यस सर, सर, ओके सर, अचानक ही काम आ गया। हाँ? मुझे जाना होगा, बाय। ओके भरत, बाय। सॉरी, चलिए। हमें फोटो नहीं खिंचवानी। क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है? हमें फोटो नहीं खिंचवानी। अमा यार, बाल बाल बच गए हम। हमने वहाँ श्वेता को बचा के खूब नाम कमाया। लगता है वो चौधरी का कहना भी ठीक ही है, बेवजह हमने उनको इतनी बातें सुनाई और दुख पहुँचाया। कोई बात नहीं यार, चौधरी तो हमारे लिए भगवान का रूप है, उनके पैर पकड़ के माफी मांग रहे हैं। इसका मतलब अब श्वेता से दिल खोल के बात करनी चाहिए। एक बार दिल खोल के बात की तो इतने कष्ट उठाना पड़े, अभी तक शर्म नहीं आई क्या? लव करने से कष्ट तो होंगे ही बंटी, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, आगे चलते। चलो चलो, इसको भी अभी मजाक सूझी। घबरा गई? घर की जरूरत का सारा सामान लाया हूँ, बर्तन स्टोव वगैरह। सुनिए, रसोई के खाने पीने का सामान लाए। देखिए, आटा चावल लेते वक्त दुकानदार ने पूछा घर बसा रहे हो क्या? ये सब सिर्फ आपके लिए, मत सोचिएगा, बीच बीच हम भी आएंगे खाना खाने, क्योंकि वो जो खाना देते हैं उससे ये पेट भरता ही नहीं। श्वेता जी, आपको खाना बनाना तो आता होगा, नहीं तो हम बनाए क्या? श्वेता जी, क्या हुआ आपको? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, फिर भी कोई मुझे मारना चाहता है। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, फिर भी आप मुझे बचा रहे हैं, आश्चर्य की बात है। कोई रिश्ते के बनने में क्या देर लगती है आज के जमाने में? एक संबंध बनाने में कोई कारण की जरूरत नहीं, आपने हम पर भरोसा किया है वही हमारे लिए काफी है, और फिर हम चारों हैं ना, उसी तरह बिना कोई संबंध के कोई क्यों मारना चाहेगा? योगेंद्र शर्मा ने आपके पिता को मारा, अब आपको मारने की सोच रहे, कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई वजह होगी, मेरे पिताजी ने कभी किसी से बुरा बर्ताव नहीं किया। फिर उसने आपके पिता को क्यों मारा, आपको क्यों मारना चाहता है, यही जानना है मुझे। बंटी, वो खेल रहे, चलो। हे बॉल दे, जल्दी जल्दी चल, अपना सेल निकाल जल्दी। नंबर आ गया ना? हाँ हाँ, अब इसे जेब में रख, जेब में रख। हाँ ओके, रख दे वहां पर, चल चल चल। हाँ, चलो। हाँ विकी, फोन आया। श्वेता ही होगी। हेलो श्वेता जी, योगेंद्र शर्मा का नंबर लिखे। ओके, 9849090906906906। ओके, संभाल के बात करना। ओके, एक मिनट। चल 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 चल। हेलो, मैं श्वेता बोल रही हूँ। कौन सी श्वेता? जिसे दो बार मारने की कोशिश की आपने लेकिन मिस कर गए, वही श्वेता। कैन यू कॉल मी बैक आफ्टर 2 मिनट्स? ओके। हेलो रसूल, लो नंबर नोट करो, 5510-2435। ये नंबर कहाँ का है तुम पहले पता करो, और जाओ, वो लड़की वहीं पर होगी। क्विक, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए ये बताने के लिए फोन नहीं किया है, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है ये बताने के लिए फोन किया है। देखो, मुझसे गेम्स खेलोगी तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। वो डिजिटल कैसेट दे दो। डिजिटल कैसेट क्यों दूं मैं? नहीं दोगी तो तेरे पिता की तरह तू भी मारी जाएगी। मुझे जान गई हो तुम, मेरा नंबर भी पहचान गई हो, मैं क्या कर सकता हूं यह भी जान लो, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें।
अरे अरे आपको बॉल लग गई। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। सॉरी सर। गो। बुरा मत मानिएगा सर। आई सेड गो। हेलो हेलो। शिट। अभी फोन पर जो लड़की बात करती हो कहाँ गई? अभी अभी उस तरफ गई है। बहुत हुआ खाना पीना, सुबह सुबह 4 बजे उठना है, जाओ जल्दी। डर गया। हर एक को सब इंस्पेक्टर ही बनना है। इस ठंड में सुबह सुबह 4 बजे जब उठेंगे तो पता चलेगा कि पुलिस की नौकरी क्या होती है। श्वेता से मिलकर उस डिजिटल कैसेट के बारे में पता करना होगा। अब तक वो योग्य बंडी, वो भिक्षु को देखो, वहाँ क्या देख रहा है वो? उसने श्वेता को तो नहीं देख लिया? अरे सुनो सुनो विकेशन आवाज सर, अरे जल्दी इधर आ जाओ। लगता है इसने देख लिया। अरे उधर देखो। क्या है सर? चंद्रमा? नहीं, वहाँ बिल्डिंग में लड़की है। बिल्डिंग दिखाई दे रही है लेकिन लड़की नहीं दिखाई दे रही। अरे क्यों नहीं दिखाई दे रही पागल, मुझे तो क्लियर दिखाई दे रही है। अरे तुम लोगों को ये दिख रही है? अरे तो ये मुझे ही क्यों दिखाई दे रही है? कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग दिखते हैं। क्यों सर, आप डर गए क्या? अरे छोड़ो यार, हम डराना जानते हैं, डरना बिल्कुल नहीं जानते। हमको आपके बारे में मालूम है सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सुनो सुनो, मुझे मेरे क्वार्टर तक छोड़ दो ना, अकेले जाने में डर लगता है। अरे छोड़ो भी, ठंडी हवा में वॉकिंग करने का मजा आता है। देखो विकी शरावत, तुम भूत के बारे में काफी कुछ जानते हो। हमारे चौधरी साहब जानते हैं। वो कौन है? महापंडित, ज्योतिषी, जिंदगी की हकीकत जानते हैं। तो भूत प्रेत के बारे में जानते ही होंगे। वैसे भूतनी 3 प्रकार की होती है, शंकिनी, लंकिनी, डाकिनी। शंकिनी मतलब आउटडोर भूतनी होती है, पहाड़ों पर, पर्वत पर, खेतों में, शमशान में घूमती है वो। अब लंकिनी के बारे में, ये भूतनी पुराने घरों में, पुराने बंगलों में, सूखे हुए कुएं में होती है, बड़ी डेंजरस होती है। अब डाकिनी माने फैमिली भूत, इनके बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत। अभी जो आपने देखा ना वो लंकिनी भूत है, वो बहुत कम को नजर आती है, जिसको नजर आती है छोड़ती नहीं है। को नजर आई ऐसा आपने किसी को बताया तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, वो बदला लेगी। देखिए शरावत, एक बात जानते हो क्या? नहीं मालूम। अरे मैंने कोई भूत नहीं देखा, यूं मजाक में कॉमेडी कर रहा था। डाकिनी भूत। अरे उस कॉमेडी फिल्म में भूत थी ना मेरे प्यारे विकी शरावत, मैंने राजमहल में कोई भूत नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा भाई। सर, बातों बातों में आपका क्वार्टर भी आ गया। देखो भैया, मैं क्वार्टर या पौवा नहीं पीता। एक बात सुनो, अगर मेरे क्वार्टर से रात को कोई आवाज आए तो तुम लोग नजरअंदाज नहीं करना। अब हाथ छोड़ो। हाथ तो आपने मेरा पकड़ा है। ठीक है ठीक है। अरे भाग्यवान, लाइट चलाओ, बहुत अंधेरा है। लगता है बुरी तरह घबरा गया, नीचे से गीला हो गया होगा। श्वेता के बारे में ना बता के बड़ा अच्छा किया तुमने। आज तारीख क्या है यार? 16। आपका जन्मदिन हमें कैसे मालूम? सोच रही है ना, हम भी पुलिस अफसर बनने वाले हैं। आइए आइए आइए, जल्दी से केक काट लीजिए वरना हमारा दोस्त आंखों से निकल जाएगा। आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? हम सब आपके साथ हैं याद दिलाने के लिए। कट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्वेता जी।